हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024-25 के बारे में कि इसके आपके ऑनलाइन आवेदन जो हैं, ऑनलाइन फॉर्म है, कब से भरना स्टार्ट होंगे और इसमें इस बार आपकी उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इस बार जो आपकी भर्ती है ये 4 साल की ही आएगी या फिर इसमें रूल्स जो हैं वो चेंजेस होकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि इसमें इस बार आपकी हाइट का रूल चेंज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि यहीं पर जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हर साल जारी किया जाता है इंडियन आर्मी अग्निवीर का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं आने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के, वो दोस्तों आपके आएंगे फरवरी में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2025 में ही आपके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं इंडियन आर्मी के भरे जाएंगे, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इंडियन आर्मी में मेल और फीमेल दोनों की जो भर्ती है वो फरवरी 2025 में स्टार्ट होगी। तो 2025 से ही आपके फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 सालों से जब से अग्निवीर जो है वो चालू हुआ है उसमें जो है दोस्तों आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो फरवरी में ही आते हैं। फरवरी के स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी आ जाती है, यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके फरवरी में ही आपके जो फॉर्म हैं वो आने वाले हैं, फरवरी में ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें इस बार आपकी उम्र सीमा कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें इस बार आपकी उम्र सीमा में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट 18 से 21 साल के हैं उनको ही यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ वैकेंसीज में जो है वो 18 से 23 साल यहाँ पर आता है। अलग अलग पोस्ट आती हैं, जैसे ट्रेडमैन की आती है, नर्सिंग असिस्टेंट की आती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 18 से 23 साल भी एज रहती है कुछ पोस्ट के लिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस बार कितने साल की भर्ती ये आने वाली है, क्या अग्निवीर में रूल चेंज किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो है अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बदलाव आपका ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है काफ़ी महीने से कि इसमें रूल चेंज होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी भर्ती को साल के बढ़ेंगे, 4 साल से और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, या फिर परमानेंट में परसेंटेज जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आप सभी के लिए है और हमारे लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पर चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, पॉजिटिव चेंज ही देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इसमें आपकी हाइट कितनी रहती है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो स्टेट वाइज दोस्तों अलग अलग रहती है। यहाँ पर सभी बॉयज़ गर्ल्स की जो है स्टेट वाइज अलग अलग रहती है, लेकिन जो गर्ल्स की रहती है वो लगभग यहाँ पर सेम ही रहती है, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ की जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अलग होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं हाइट तो नहीं बता पाऊँगा, वो तो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें अलग हाइट होती है। तो दोस्तों, हाइट और एज इन सब की मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। और बात करें महिलाओं की, जो महिला अग्निवीर भर्ती है वो भी इसी के साथ आएगी। फरवरी में ही आप दोनों के जो है ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, और इस बार बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो क्या बदलाव है, अगर मुझे पहले ही न्यूज़ मिल जाती है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो वहाँ पर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा।
तो दोस्तों जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ कोई खबर मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको पहुंचाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में सभी जगह शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, ताकि हम वहाँ की जो भर्ती है वो आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।